गुड मॉर्निंग बच्चों से आज मैं आपको सेवेंथ क्लास का उस दिन मैंने आपको सिखाया था बादल मीन्स एंटिटी मेघालु सो क्लाउड्स बोलते हैं। सो ये आपको स्टोरी दी है, छोटी सी स्टोरी आई है आपको, सो पढ़ो और आनंद लो। से पेज नंबर 30 सेवेंथ क्लास सब लोग अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 30 बादल। बादल मीन्स क्लाउड्स मेघालु, सो उसको साइड में दिया है पढ़ो आनंद लो अटे चौंकी एंड हैप्पी उंडी। सो सब लोग दिखे पेज नंबर 30, सबको दिखाई देता है, सब लोग ने निकाला अपना पेज नंबर 30। सो आप फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे ये बादल स्टोरी। देखो बादल, एक लड़का था उसका नाम भरत था, वह नई नई बातें जानना चाहता था। एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था, आसमान में बादल छाए हुए थे, घर अभी कुछ दूर था, इतने में बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। भरत भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वह भीग गया था। भरत को देखते ही पिताजी बोले, जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कपड़े बदलते ही भरत ने सोचने लगा, आसमान में पानी कहाँ से आता है, बादल आने पर वर्षा क्यों होती है। उसने सोचा पिताजी से पूछना चाहिए, कपड़े बदल कर पिताजी के पास गया। भरत ने पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहाँ से आता है। बादलों से। देखो कहाँ से आता है, बादलों से, पिताजी ने बताया। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाबों नदियों और समुद्रों में पानी होता है, सूर्यों की तेज गर्मी से यह पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी भाप बादल में कैसे बन जाती है। पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है, ऊपर होती है, ठंडा ठंडा से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। पिताजी भरत को रसोई घर में ले गए। वहाँ माँ चाय बना रही थी, चूल्हे पर केतली रखी थी, केतली के मुंह से भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया, इस गिलास को वे भाप के पास ले आए। कुछ देर गिलास को वही पकड़े खड़े रहे। भरत ने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदे बूंदे टपक रही थी। भरत सब कुछ समझ गया, वह बहुत खुश था। सो इससे पहले भी ये स्टोरी मैंने बताई थी। सो आपने घर पे कुछ एग्जाम्पल किया है ट्रेनिंग, सो मैंने इसको बताया था कि बादल कैसे बन जाते हैं। सो बादल कैसे बनते थे, एक भरत नाम का एक लड़का है, वो भरत नाम का लड़का नई नई बातें जानना चाहता था। सो एक दिन वो घर स्कूल में से घर पर जा रहा था, तभी क्या हुआ, मतलब अचानक बादलों का साउंड आकर बारिश होने लगी। वो घर अभी तक दूर था, घर जाने से पहले वो भीगा गया। सो तनु एम चेसन अंटे, तनु ये स्कूल की वेल्लाडु, भरत अने अंबाई की स्कूल की वेल्लाडु। वेल्लेटप्पुडु वेल्लिनाका तनुकु कोत्त कोत्तगा नेर्चुकोवालनि चाला उंदि। सो स्कूल इशिपेट्टिन तर्वात तनु इंटिकि वेल्ले मुंदु तनुकु एमैंदि अंटे, पाठशाला से आ रहा था, आसमान में बादल छाए थे, सो पैन आकाशम मोत्तम ब्लैक मेघालैपोयिनि। सो घर अभी कुछ दूर था, सो अक्कड इंटिकि वेल्ले मुंदु వర్షం వచ్చేసింది, బడీ బడీ బూందే గిర్నే లగి అంటే పెద్ద పెద్దగా వర్షం వచ్చేసింది। భరత్ భాగ్తా హువా ఘర్ పోచా, తను చాలా రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా తను మొత్తం తడిచిపోయాడు। భరత్ కు దేఖ్తే హి పితాజీ బోలే, జావో కపడే బదల్లో నహితో సర్దీ లగ్ జాయేగి। సో మనం తడిబట్ట తోటి ఉంటే ఏమవుతుంది, సర్దీ జ్వరం వచ్చేసరి కాబట్టి ఆ భరత్ వాళ్ళ డాడీ కూడా ఏమన్నారంటే, వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకో, లేకుంటే ఏమవుతుంది, సర్దీ జ్వరం వచ్చేస్తుంది అని భరత్ వాళ్ళ డాడీ అన్నారు। తను బట్టలు మార్చుకుంటే తనకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, సో కపడే బదల్తే భరత్ సోచనే లగా, ఆస్మాన్ మే పానీ కహాన్ సే ఆతా హే। సరే ఇది ఒక తన బట్టలు మార్చుకుంటే తను ఏమనుకుంటున్నానంటే,
पिताजी से पूछना चाहिए, वह कपड़े बदल कर पिताजी के पास गया, तन बटल मार्च कोनी तन डैडी दगर वेल्लाडू। भरत ने पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहाँ से आता है? डैडी डैडी वर्षा आकाशम ला वाटर ही अंता एकड के लुंडे होचे सुना ने अड़ू तुने डबला डैडी नी। तो डे डैडी ये मंट नटे मेघा लनुंडी अंटे बादलों से आता है, पिताजी ने बताया। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? करेक्ट मेरे అంటున్నారు ఈ బాదలు అంటే క్లౌడ్స్ నుండి ఇంత వాటర్ వస్తున్నాయి, కానీ ఇంత వాటర్ ఎక్కడికి నుండి వచ్చేస్తాయి అని మళ్ళా క్వశ్చన్ అడిగాడు। భరత్ ని ఫిర్ పూచా లేకిన్ బాదలో మే ఇత్నా పానీ కహా సే ఆతా హై? పితాజీ నే సమజాతే హువే కహా, బేటా తాలాబో నదియో ఔర్ సముద్రో సే ఈ వాటర్ ఎక్కడికి నుండి వస్తున్నా అంటునో గదా, ఈ పెద్ద పెద్ద రివర్స్ సముద్రాలు ఆ पाउंड अंटे तालाब नदियां समुद्रों से ये पानी होता है। देखो सूर्य की तेज गर्मी से यह पानी भाप में बदल जाती है। सो चाले एंटा वो टिपड़ मुंदु एम उंटदी क्लाइमेट टेल्स है मीकू क्या बोलते आप लोग, एंडाकालम वानाकालम चलीकालम। ओके एंडाकालम वानाकालम चलीकालम। सो एंडाकालम तर्वात एम वस्तदी, वानाकालम। वानाकालम तर्वात एम वच्चेस्तदी, చలికాలం। చలికాలం తర్వాత ఇప్పుడు ఎండ తర్వాత చూడండి ఎంత ఎక్కువ ఎండ కొడితే మొత్తం మనం ఈ వేడి వేడిని పైన బీచుకొని అంటే చూడండి ఎప్పుడైనా చూసారా ఒక చిన్న వాటర్ ఒక గిన్నెలో ఒక వాటర్ వేసి ఎండలో పెట్టండి సాయంత్రం చూసారా అలా వాటర్ ఉండవు అలా ఉంటదా వాటర్ అంటే ఎక్కువ ఎండ కొడితే ఆ మొత్తం ఏమైతదన్నంటే ఆ బాపు అంటే ఆ గర్మి వల ఈ వాటర్ మొత్తం బీచుకుంటది బీచుకొని ఏమైతది బాప్ బదల్ జాతే దేకు इसमें दिखा है। देखो आपको सूर्य की तेज गर्मी से इस सूर्य की नल तेज गर्मी तोटी पानी भाप बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। ये वेड़ी मोतम पाई की वेली ये मोतुंदन अंटे ओक क्लाउड्स अंटे मेघाल तैयार होती एंटी बादल बन जाती है। भरत ने फिर प्रश्न किया अंटे मल्ला प्रश्न अड़गाड़ा अंटे एंटी पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? चलो ये वेड़ी इंत क्लाउड एट्ला तैयार होतुंदनी ఎవరు ఆ భరత అబ్బాయి తన డాడీని అడుగుతున్నాడు। సే పితాజీనే ఉత్తర దియా, భాప్ హల్కీ హోతీ హై, ఈ వేడి చాలా వెయిట్లెస్ ఉంటది। మీకు కనబడుతుంది ఎప్పుడైనా మీకు ఇది వేడి మనకు చూడాలంటే ఎట్లా కనిపిస్తది? ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జాంపుల్ చేయాలంటే మీ ఇంటి దగ్గర మీ మమ్మీ డాడీ మమ్మీ వంట చేస్తది, ఆ వంట చేసినప్పుడు గరం ఉన్న కర్రీస్ కి పైన వాప్ వస్తు చూడండి, అది మనకు తెలుసుది వేడి ఉందా చల్లగా ఉందా కాబట్టి। సో పైన మీరు ఒకవేళ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేయండి అంటే ఒక గ్లాస్ వాటర్ నిండా తీసుకొని మీ మమ్మీ టీ చేసినా లేకుంటే ఏదైనా కర్రీ చేసేటప్పుడు అట్లా పైన పెట్టండి, పైన నిండా గ్లాస్ వాటర్ తోటికి ఇట్లా పైన పెట్టండి, దాని కింద మొత్తం చుట్టూ పదన ఏమవుతుంది చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ గా తయారవుతాయి, అదే డ్రాప్స్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది దానిలోనే వాటర్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది। లేకుంటే ఇంత ఎందుకు మీ మమ్మీ కర్రీ వండేటప్పుడు పైన ఏదైనా మూత పెడుతుంది, ఆ మూత తీసి పెట్టండి చూడండి అందులో పదన ఉంటదా చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి। సో చూడండి ఇందులో ఏముందంటే पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उड़ती है, ऊपर होती है ठंड ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप लेती है। सो इन इदे वाटर चिन्न चिन्न ड्रॉप्स मल्ला एम अवुतुंदी पदन चिन्न चिन्न ड्रॉप्स गा किंद पड़तुन्नानि अंटुन्नारु। ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह ये बादल अंटे इवी मेघालु उन्नाई। सो चूडंडि पिताजी भरत को रसोई घर में ले गए। आ पिताजी आ डैडी एम चेशारु तनकि अर्थं कालेदु काबट्टि अर्थं चेसुकोवडानिकि तनु वंट रूम कि तीसुकेल्लाडु भरत नि। भरत को रसोई घर में ले गए, वहां मां चाय बना रही थी, अक्कड मम्मी एम चेस्तुंदंटे टी अंटे चाय चेस्तुंदी। चूले चूला अंटे गैस, चूले पर केतली रखी थी, आ गैस पैन केतली अंटे కొందరు అప్పుడు కాలం అంటే కేట్లీ పెడుతున్నారు, ఇప్పుడైతే మెన్న చిన్న బాల్స్ అంటే యా బోల్తే భగవన్ పెడతారా చూడండి ఇట్లా వస్తే పైన
भाप। सो केतली रखी थी, केतली के मुंह से भाप ऊपर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया। तो वाला डैडी एम चेसारु, ओक ग्लास निंद वाटर तीसुकोनी एम चेसारु, इकड़ मम्मी चाय चेस्तुंदी, आ ग्लास निंद वाटर तीसुकोनी वाला डैडी पट्टुकोनी उन्नारु। ओके पटकोने उन्हें जोर, पानी से भरा एक गिलास उठाया। इस गिलास को वे भाप के पास ले गए। अक्कड़ एम चेसारु, आ उन्ना चाय दगर ओक ग्लास पैन पेट्टी निलबड्डारु। देखो गिलास उठाया, इस गिलास को वे भाप के पास ले आए। कुछ देर तक गिलास को वही पकड़े रहे। तो कोदी शनाम तक, कोनी शनाल तक आने बेटारु, एकड़ा अट्लाने पटकोनी उन्नारु। देखो भरत ने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदे टपक रही थी। अलाने अक्कड़ के लुंडी चिन्ना पदनाई ये वोतुने चिन्ना 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 ड्रॉप को पड़तुने जुड़ने। तो गिलास पर से पानी की बूंदे टपक रही थी। भरत ने सब कुछ समझ गया, तनकु अर्थमैंदी, ई उन्ना वेड़ी वल्ला मोत्तम ई वेड़ी मोत्तम बीच कोनी एमैतदी अंटे मेघालु तयारैतायी। ई मेघालु पेद्द पेद्द चिन्न चिन्न ई मोत्तम ई वाटर మొత్తము ఏమైతే ఒక సమూహం అంటే ఒక గ్రూప్ తయారై ఒక మేఘాలు తయారైతే, ఈ మేఘాలు బ్లాక్ అయ్యి ఈ వాన ఎండాకాలం తర్వాత వానకాలం, ఆ వానకాలం తర్వాత చలికాలం అంటే వర్షం పడిన తర్వాత చలిగా వస్తుంది, తర్వాత మళ్ళా ఎండ, వర్షం, వాన. సో అలానే ఇది బాదల్ లెసన్. సో మేము సమజ్తిము ఈ లెసన్ ఆప్కు సమజ్ మే ఆయా. సో ఈ లెసన్ కే హమ్ లోగ్ ఆజ్ మీనింగ్స్ లిఖేంగే. క్యా లిఖేంగే? మీనింగ్స్. तो सब लोग अपनी CW नोट्स निकालिए और मेरे साथ ये मीनिंग्स लिखिए. नया शब्दार्थ. सो ये बादल, बादल शब्दार्थ. शब्दार्थ में दिया है पहला नया, नया मीन्स न्यू. जानना, नाउ. आसमान, बादल, क्लाउड. बूंदे, ड्रॉप्स. भागना, रन. बदलना, चेंज. वर्षा, रेन. समझाना, explain. तालाब, तेज, हॉट. गर्मी, हीट. हल्का, हल्का लाइट. समूह, ग्रुप. चूल्हा, स्टोव.
सो ये है मीनिंग्स इसके शब्दार्थ बादल लेसन के नया न्यू जानना नाउ आसमान स्काई बादल क्लाउड्स बूंदे ड्रॉप्स भागना रन बदलना चेंज वर्षा रेनिंग समझना एक्सप्लेन तेज हॉट गर्मी हीट हल्का लाइट समूह ग्रुप चूल्हा स्टोव। सो ये है हमारे मीनिंग्स बादल लेसन के। सो मैं समझती हूँ ये लेसन आपको समझ में आया और इसका मीनिंग्स भी आपको समझ में आया करके मैं सोचती हूँ। और ये अपने शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आप CW में लिखेंगे और उसको मीनिंग स्कूल का जानिए। ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अपने किचन में जाकर भी आप देख सकते हैं ये बादल कैसे बनते हैं, कैसी वर्षा पड़ती है और ये कैसे सीजन है। सो एंडा कालम वाना कालम चली कालम। सो ये किसके बाद में क्या आता है। सो बोलते है ना एंड तरवा वर्ष पड़ता चाल एंड पैन मेघाल तैयार तरह वर्ष पड़ता है वर्ष पड़ने तरह चाल सल तरह चलीकाल वे। सो एंडकाल वर्षाकाल चलीकाल। सो ये बादल लेसन है आपको समझ में आया मैं सोचती हूँ। सो इसके लिए आप घर पर 2-3 बार ये लेसन पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताएंगे बाद में मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी। नहीं समझ में आएगा तो ही तो तब तक आप पढ़ेंगे और इसके मीनिंग्स लिखेंगे। सो थैंक यू।